बच्चों आज हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट और यह रेखा वीपी के लंबवत है और यह रेखा वीपी के लंबवत है के लंबवत है एक सिरा वीपी से 12 एमएम की दूरी पर है एक सिरा एक सिरा वीपी से 12 एमएम दूरी पर एक सिरा देखते हैं कोशिश कर रहा है कि रेखा एक रेखा है जिसकी एक लाइन है जिसकी लंबाई 50 एमएम है 50 एमएम है उसके एक सिरा ए है दूसरी सिरा बी है रेखा एचपी के समांतर है एचपी के समांतर है तथा वीपी की से दूरी जो है 20 एमएम की दूरी पर है और यह वीपी के लंबवत है एचपी के समांतर है और वीपी के लंबवत है और एचपी से वो 20 एमएम की दूरी पे है एक सिरा जो है एचपी से वीपी से 12 एमएम की दूरी पर है कंडीशन यह हो रहा है कि रेखा एचपी के समांतर है एचपी के समांतर है तो ये कंडीशन हमारी हो गई है एचपी के समांतर और वीपी के लंबवत एचपी हो गया या वीपी हो गया एचपी के समांतर हुआ और वीपी के लंबवत हो गया ये कंडीशन हुआ अब कह रहा है कि एचपी से 20 एमएम की दूरी पर है और अब इसे हम एचपी ये है एचपी से 20 एमएम की दूरी पर भी कर दिए इस लाइन को 20 एमएम की दूरी पर कर दिए और यह रेखा
वीपी के लंबवत है, इसका एक सिरा वीपी से 12 है, एक सिरा वीपी से यहां से बेस है और इस वीपी से 12 एमएम की डिस्टेंस पे दूरी पर हो गया। इससे दूरी इसके बेस है और इससे इसके 12 एमएम है। अब जब हम फ्रंट से देखेंगे, अब फ्रंट से जब हम देखेंगे तो जो दूरी एचपी में दिखाई गई है एचपी के लिए 20 एमएम, वो 20 एमएम की दूरी हमें दिखाई देगी वीपी में, जो हमारा फ्रंट व्यू होगा, जो हमारा फ्रंट व्यू होगा। टॉप से जब हम देखेंगे, टॉप से जब हम देखेंगे तो ये 12 एमएम के डिस्टेंस पे हमारी ये एबी लाइन आएगी और जो हमारा प्लान होगा, एलिवेशन हमारा पॉइंट के रूप में आएगा और हमारा प्लान जो होगा पूरे लाइन के रूप में आएगी। इसे हम लोग ड्रा करते हैं। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में हम लोगों ने देखा है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में लेंथ मिल रही है, इसलिए एचपी के समांतर हुआ।
और एचपी से बाहर आया कि 20 एमएम की दूरी पर है तो एचपी से हमने इसे इस लाइन को 20 एमएम के डिस्टेंस पे निकाल दिया 20 एमएम के डिस्टेंस पे हो गया और यह लाइन एचपी के समांतर और वीपी के परपेंडिकुलर है वीपी के लंबवत भी है ठीक अब कह रहा है वीपी का एक सिरा जो है 12 एमएम तो ये सिरा 12 एमएम इससे वीपी से हमने दूरी पर कर दिया 20 होते हुए 12 एमएम के डिस्टेंस पे हमने कर दिया अब जब फ्रंट से देख रहे हैं सामने से देखेंगे तो जो दूरी एसपी से था 20 एमएम तो 20 एमएम की दूरी पे हमें वीपी में वर्टिकल प्लेन में हमें एक पॉइंट दिख रहा है पॉइंट दिख रहा है इधर ये बी है ये ए है तो बी हमें दिखाई दे रहा है तो बी डैश हो गया क्योंकि वीपी में हम स्मॉल लेटर डैश लगा के बी डैश और ए डैश हो गया तो दिखाई दे रहा है ए डैश हो गया अब जब फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से देखने के बाद से हमें ये 12 एमएम की डिस्टेंस के बाद से हमें पूरे ट्रू लेंथ में लाइन दिखाई देगी और आप जानते हैं एचपी को किया ये नीचे की तरफ आ गया ये नीचे की तरफ आ गया तो एक्स वाई लाइन से 12 एमएम के डिस्टेंस पे हमें पूरी ट्रू लेंथ में लाइन दिख रही है जो 50 एमएम लंबाई है और एक्स वाई लाइन से रिलेशन जो है हमारा 20 एमएम के डिस्टेंस पे एक पॉइंट में दिख रहा है जो बी डैश और ए डैश के रूप में है तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ इसे हम जो समझाए हैं इस बात को लिपिबद्ध भी कर दे रहे हैं ताकि बाद में आप पढ़ करके भी समझ सकें क्या है कि रेखा एचपी से 20 एमएम की दूरी पर समांतर रेखा एचपी से 20 एमएम की दूरी पर समांतर एचपी से 20 एमएम की दूरी पर समांतर 20 एमएम की दूरी पर समांतर और वीपी के लंबवत है और वीपी के वीपी के लंबवत है अतः इसका उच्चेद यानी निर्वेशन अतः इसका से यानी कि इलवेशन इलवेशन का एक नाम और है फ्रंट पे इलवेशन अतः इसका इलवेशन यानी कि से एक्स वाई से 20 एमएम की दूरी पर एक्स वाई से एक्स वाई रेखा से 20 एमएम की दूरी पर 20 एमएम की दूरी पर एक बिंदु होगा एक बिंदु होगा एक बिंदु होगा एक सिरा वीपी से 12 एमएम की दूरी होने के कारण एक सिरा वीपी से 12 एमएम की दूरी पर होने के कारण 12 एमएम दूरी पर होने के कारण इसके एक सिरे का प्लान इसके एक सिरे का प्लान नीचे एक सिरे का अनुच्छेद यानी कि प्लान यानी कि
plan. X, Y से बाहर है जो कि दूरी पर X, Y से 12 mm की दूरी पर 12 mm की दूरी पर वास्तविक लंबाई पर वास्तविक लंबाई वास्तविक लंबाई टीयर टीयर वास्तविक लंबाई टीयर 50 mm के बराबर बनता है बनता है 50 mm के बराबर बनता है ये हो गया इसमें जो है जो बातें मैंने बताया है कि कैसे बना है ये हमारा प्रथम कोणीय प्रक्षेप में है अगर इसे हम तृतीय कोणीय प्रक्षेप में बनाते हैं अगर हम इसे तृतीय कोणीय प्रक्षेप में बनाते हैं तो क्या होगा इसे का सेम उल्टा हो जाएगा एचपी एचपी में एचपी ऊपर हो जाएगा वीपी हमारा नीचे आ जाएगा तो वीपी में हमारा वीपी हमारा नीचे आ जाएगा तो एक्स वाई से 20 एमएम की दूरी पे हमारा एक्स वाई से 20 एमएम की दूरी पे नीचे हमारा जो है ये रिलेशन आ जाएगा और प्लान हमारा जो है ये एक्स वाई से 12 एमएम और ये ऊपर चला जाएगा ये हम तृतीय कोण प्रक्षेप में है इसका शेप उल्टा होता है तो इस तरह से ये हमारा कंडीशन क्लियर हुआ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे रेखा वीपी से 20 एमएम की दूरी पर समांतर है सातवां क्वेश्चन रेखा वीपी से रेखा वीपी से 20 से 20 एमएम की दूरी पर समांतर है 20 एमएम की दूरी पर समांतर है 20 एमएम की दूरी पर समांतर है एचपी के लंबवत है एचपी के लंबवत है एचपी के लंबवत है रेखा का एक सिरा एचपी से रेखा का एक सिरा रेखा का एक सिरा एचपी से 12 एमएम की दूरी पर है एक सिरा एचपी से 12 एमएम की दूरी पर
है दूरी पर स्थित है स्थित है यही प्रॉब्लम है। पहले तो सबसे पहले इसे जानने के लिए सबसे पहले हम कंडीशन जानते हैं कि यह किस कंडीशन में है। जब हमें कंडीशन का पता लग जाता है, जब हम यह जान जाते हैं कि हमारा कंडीशन इस लाइन का, इस प्रॉब्लम का किस कंडीशन में बन रहा है, इसके बाद ही हम निर्धारित कर पाते हैं कि इस तरह की ड्राइंग बनेगी। तो इसके लिए हम पहले निर्धारित करते हैं कि ये कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा VP से 20 mm की दूरी पर समांतर है, ठीक। यानी कि VP के समांतर है, VP के समांतर है और HP के लंबवत है, ठीक। HP के लंबवत है और VP के समांतर है, कंडीशन यह है, और VP से 20 mm की दूरी पर है। यहां देखिए, यहां से समझ लीजिए कि रेखा VP से समांतर है और HP के लंबवत VP से समांतर और HP के लंबवत, ठीक। अब कह रहा है कि VP से 20 mm की दूरी पर है, VP से 20 mm की दूरी पर है, ठीक। और HP से उसका एक सिरा जो है 12 mm की दूरी पर है, ठीक। इसके लिए देखते हैं कि ये कंडीशन होगा, कि ये कंडीशन होगा क्योंकि इसमें हमें यह होता है कि VP के समांतर है, VP के पैरेलल है, VP के पैरेलल, क्योंकि ये कंडीशन नहीं होगा तो VP के पैरेलल होगा, ये कंडीशन नहीं होगा तो VP के पैरेलल होगा। इस कंडीशन में VP के पैरेलल तो होगा लेकिन HP के भी पैरेलल होगा, ये कंडीशन होगा क्योंकि इस कंडीशन में किसी भी तरह करेंगे तो ये VP के पैरेलल है, लेकिन जो VP के पैरेलल के साथ साथ HP के परपेंडिकुलर भी होना जरूरी है। तो ये कंडीशन जो हो रही है HP के परपेंडिकुलर और VP के पैरेलल हो रही है। अब कह रहा है VP से 20 mm की दूरी पर, VP से भी ये 20 mm की दूरी पर भी हमने कर दिया, VP हमारा VP है, ये HP है, VP से हमने 20 mm की दूरी पर भी कर दिया। अब कह रहा है कि HP से एक सिरा जो है 12 mm की दूरी पर है, अब HP से भी, HP से भी 12 mm की दूरी पे कर रहा है, ठीक। VP से 20 mm की दूरी, ये दूरी 20 mm की हो गई। अब कह रहा है 12 mm HP से 12 mm पे, HP से भी 12 mm की दूरी पे हो गया। अब फ्रंट से हम देखेंगे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस HP से होता है, जो डिस्टेंस HP से होता है वह VP में दिखता है, जो डिस्टेंस HP से होता है वह VP में, जो VP से होता है वह HP में, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं कि कंडीशन के VP में है और VP से 20 mm की दूरी पर, VP से 20 mm की दूरी पर कर दिए, VP है, VP से 20 mm की दूरी पर हो गया। अब दूरी होने के साथ साथ कह रहा है कि HP से 12 mm, HP से 12 mm कर दिए। अब जब हम 12 mm कर दिए तो हम फ्रंट से जब देखेंगे तो 12 mm के डिस्टेंस के बाद से 12 xy लाइन से 12 mm तक प्रोजेक्शन लाइन जा रहेगी। 12 mm के बाद से इस यह पूरी लाइन हमें दिखाई देगी, यह लाइन हमें पूरी दिखाई देगी जो हमारा एलिवेशन होगा। अब फ्रंट से जब देखेंगे तो 20 mm के डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट दिखाई देगी और भी क्योंकि जो दूरी HP से होती है, HP से हमारा, HP से 12 है तो 12 हमने कर दिया और VP से 20 है तो 20 हमने कर दिया। फ्रंट से देख रहे हैं ये पूरी लाइन में जा करके इस VP में दिखाई दे रही है और ऊपर से जब देख रहे हैं तो 12 mm पे अरे 20 mm पे यहां पॉइंट दिखेगा। अब ये मूव करता है HP, HP मूव किया तो 12 xy लाइन हो गया, xy लाइन से 20 mm के डिस्टेंस पे यहां पॉइंट बन गया और x यह हमारा प्लान हो गया और xy लाइन से
12 एमएम के डिस्टेंस के पास से 12 एमएम के डिस्टेंस के पास से हमारा ट्रू लेंथ मिल रहा है, ट्रू लेंथ मिल रहा है लाइन की। तो इसी को जो बन रहा है उसे तो हम लोग ड्रा कर देते हैं, या फिर इससे देख लीजिए, ये अगर ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा देख लीजिए, अगर हम इसे ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक। कह रहा है ये वर्टिकल प्लेन वीपी हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी हो गया। अब हम इसे देखते हैं, अब हम इसमें देखते हैं कि वीपी में है तो वीपी में हो गया। अब कह रहा है कि वीपी से 20 एमएम की दूरी पे, वीपी से या वीपी है, वीपी से 20 एमएम की दूरी पे हम आ गए, वीपी से 20 एमएम की दूरी पर हम आ गए। अब 20 एमएम की दूरी के बाद से कह रहा है कि इसका एक सिग्नल एचपी से 12 एमएम, एचपी से 12 एमएम, अब यह एचपी है, एचपी से 12 एमएम पर हो गया। जब हम इसे फ्रंट से देखेंगे, जब हम इसे फ्रंट से देखेंगे तो ये डिस्टेंस हमें 12 एमएम के डिस्टेंस के पास से पूरी लेंथ हमें लाइन की मिल रही है, लाइन की मिल रही है 12 एमएम पे हमारा पूरा से लाइन जा रहा है। लेकिन जब इसे हम टॉप से देख रहे हैं तो 20 एमएम के डिस्टेंस पर हमें जो है एक पॉइंट बन रहा दिख रहा है, वो पॉइंट बना प्लान होगा, ठीक। इसे को ड्रा कर देना है, जहां से हम 12 एमएम के डिस्टेंस के मान प्रोजेक्शन लाइन के जा रही है, हमसे 12 एमएम डिस्टेंस पर हम प्रोजेक्शन लाइन दे 12 एमएम के पास से 50 एमएम डिस्टेंस की हमारी ये लाइन लाइन ही है 50 एमएम, 50 एमएम की लाइन हमारी हो गई। और ये हमारा वीपी और वर्टिकल में ये एचपी हम जब प्रथम कोणीय प्रक्षेप में बना है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में हमारा वर्टिकल प्लेन वीपी ऊपर आता है और एचपी नीचे होता है, प्रत्येक कोण प्रक्षेप में हमारा एचपी ऊपर होता है, वीपी हमारा नीचे होता है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब एक्स वाई लाइन से 20 एमएम के डिस्टेंस पे जो हम जा रहे हैं, 20 एमएम के डिस्टेंस पे हम जा रहे हैं, प्रोजेक्शन लाइन जा रही है इस एमएम पे, वहां एक पॉइंट हमको मिल रहा है, पॉइंट हम देख रहे हैं ऊपर से देख रहे हैं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब जब टॉप से हम देखेंगे तो हमें बी दिखाई देगा, इसलिए बी डैश और बी और ब्रैकेट में हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा ग्राफ होगा और ये हमारा डिवीजन होगा। और यहाँ हम दिखा देंगे ये लाइन, लाइन की जो डायमेंशन है 50 एमएम, ये दिखा देंगे 50 एमएम, ये हमारी ट्रू लेंथ है, लाइन की रियल ट्रू लेंथ ये है, ये 50 एमएम की है, ये 50 एमएम हो गया। और यहाँ से ये 12 एमएम के डिस्टेंस पे ये की दूरी पे है, ये 12 एमएम के डिस्टेंस पे एचपी से 12 एमएम था, तो एचपी से 12 एमएम पे ये हो गया। और वीपी से वह ऑब्जेक्ट वीपी से जो अलाइन थी 20 एमएम के डिस्टेंस पे था, तो वह एचपी ने हमें 20 एमएम के डिस्टेंस पे एक पॉइंट समझा है, तो उस पॉइंट को हम लोग बना लेंगे। ये हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया और ये हमारा प्लान हो गया। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ए डैश बी डैश हमारा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन हो गया और बी ब्रैकेट में ए ये हमारा प्लान हो गया, प्लान हो गया। हिंदी में प्लान को अनुविच्छेद कहेंगे, हिंदी में प्लान को अनुविच्छेद कहेंगे और इंग्लिश में एलिवेशन, अरे हिंदी में एलिवेशन को उपछेद कहेंगे। इंग्लिश में एलिवेशन का एक और नाम है जिसको हम लोग फ्रंट व्यू बोलते हैं, फ्रंट व्यू या फिर एलिवेशन, प्लान या फिर अनुविच्छेद, या प्लान को इंग्लिश में एक नाम और देते हैं टॉप व्यू। तो ये हो गया, जो बातें बताया हूं उसको एक बार लिपिबद्ध कर दे रहा हूं इसे भी, ताकि ये हम पढ़ेंगे तो पढ़ करके भी इसे समझ सकते हैं। रेखा वीपी से 20 एमएम की दूरी पर, रेखा वीपी से
20 mm की दूरी पर HP के लंबवत है HP के लंबवत है HP के लंबवत है अतः इसका अनुच्छेद अनुच्छेद यानी कि लाइन अतः इसका अनुच्छेद x y लाइन से ये x y लाइन से अनुच्छेद x y रेखा से रेखा से 20 mm की दूरी पर 20 mm की दूरी पर एक बिंदु होगा एक बिंदु होगा ठीक ये बात हो गई हमारे प्लान की बात हो गई अनुच्छेद की बात हो गई अब हम आते हैं इसके उच्छेद पे यानी कि इलेवेशन के बारे में इसका एक सिरा एचपी से 12 एमएम की दूरी पर होने के कारण इसका यानी कि लाइन का इसका एक सिरा इसका एक सिरा एचपी से 12 एमएम एचपी से 12 एमएम की दूरी पर होने के कारण 12 एमएम की दूरी पर होने के कारण एक्स वाई रेखा से एक्स वाई रेखा से एक्स वाई रेखा से 12 एमएम की दूरी पर 12 mm की दूरी पर 12 mm की दूरी पर एक सिरे का उच्छेद यानी कि इलेवेशन एक सिरे का उच्छेद यानी कि इलेवेशन टीएल जिसे कहते हैं ट्रू लेंथ टीएल ये हमारा टीएल है ट्रू लेंथ इसमें हमें ट्रू लेंथ भी मिल रहा है ये हमारा टीएल मिल गया टीएल टीएल जो है 50 एमएम टीएल 50 एमएम एक्स वाई रेखा के लंबवत बनता है एक्स वाई रेखा के लंबवत बनता है एक्स वाई रेखा के लंबवत बनता है इस स्थिति में इसको ठीक है तो ये हमारा इसका सलूशन हुआ इस प्रॉब्लम का सलूशन हुआ इसमें जो दिखाई देता है जो पोजीशन दिखाई देता है उस पोजीशन को हमें ड्रा कर लेना होता है बस थोड़ा सा सोचना होता है कि हमारा इस पोजीशन में प्लान कहाँ पे बन रहा है एलिवेशन कहाँ पे बन रहा है और एचपी से कितनी दूरी पे हमारा एलिवेशन बन रहा है
और बीपी से कितने दूरी पे हमारा प्लान बन रहा है यह ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है। रेखा एचपी से आठवां क्वेश्चन है, रेखा एचपी से रेखा एचपी में वीपी से 45 डिग्री वीपी से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई रखी है, और एक शिला वीपी से 10 एमएम की दूरी पर है, और एक शिला वीपी से 10 एमएम 10 मिलीमीटर की दूरी पर है, 10 मिलीमीटर की दूरी पर है। वह है एचपी रेखा एचपी में वीपी से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई एक शिरा वीपी से 10 एमएम की दूरी पर है, 10 एमएम की दूरी पर है। तो इसके लिए हम देखते हैं कंडीशन, पहले देखते हैं कि क्या कंडीशन हो रहा है इसका, कंडीशन के बाद इसका क्या वहां पे बन रहा है ड्राइंग। तो देखते हैं कि रेखा एचपी में, तो यह एचपी हो गया, यह एचपी है या वीपी है, तो एचपी में हो गया, रेखा एचपी में है, एचपी में हो गया। वीपी से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई वीपी से 45 डिग्री का वीपी से 45 डिग्री का कोण बना दिया, ये देखिए 45 डिग्री का कोण भी बना दिया, देखिए इस तरह से रहेगा 45 डिग्री का कोण एचपी में है और वीपी से 45 डिग्री का कोण बन गया, 45 डिग्री का कोण बन गया, और एक सिरा वीपी से 10 एमएम की दूरी पर है, और एक सिरा वीपी से 10 एमएम की दूरी पर। आप देखिए ये कंडीशन हो रहा है फ्रंट से, जब आप देखेंगे देखिए एचपी में भी हो गया, एचपी में भी हो गया, वीपी से इसका एक सिरा ही इससे 10 एमएम की दूरी पर भी हो रहा है, और वीपी से यह 45 डिग्री का कोण भी बना रही है, यह कंडीशन हो रहा है। अब जब फ्रंट से हम देखेंगे तो
तो इसके प्रोजेक्शन लाइन एक जाएगी ये दूसरी जाएगी तो ये एक्स वाई लाइन पे एक लाइन आएगा जो हमारा फ्रंट भी होगा यानी कि एलिवेशन होगा लेकिन जब हम टॉप से देखेंगे तो ये 45 डिग्री का कोण बनाती हुई 45 डिग्री का कोण बनाती हुई और इसका एक यात्रा समय पे इस तरह से बनता हुआ रहेगा तो इसे हम बनाते हैं बना करके फिर एक बार समझाते हैं आपको ताकि क्लियर हो जाएगा एंड बिल्कुल आसान है यहां देखिए एक्स और ये वाई यह हमारा बीपी यानी प्रथम कोणीय प्रक्षेप में बना रहे हैं बीपी और यह एचपी हो गया अब हम देखते हैं इसे कि हम मानते हैं कि जो दूरी एचपी से रहता है वो बीपी से जो बीपी से वो एचपी ठीक तो बीपी से 45 डिग्री कोण बनाते हुए इसका एक सिरा जो है बीपी से 10 एमएम की है बीपी से 10 एमएम की है तो वह एचपी में दिखाई देता है बीपी से है 10 एमएम पे है तो एचपी में दिखाई देता है एचपी मान लीजिए यानी कि यहां से 10 एमएम पे ही हमने मान लिया कि 10 एमएम यहां पे है ठीक अब देखना यह है कि यहां से तो हम 10 एमएम पे आ गए अब जब हम फ्रंट से देख रहे हैं तो ये यहां से 10 एमएम आने के बाद से हम ये देख रहे हैं कि यहां से 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे एबी जो है हमारी यह ए है और यह बी है यह ए है और यह बी है यह 45 डिग्री पे हमारी यह बन रही है यह डिग्री जो है 45 डिग्री पे बन रहा है 45 डिग्री का हो गया लेकिन जब इसका प्रोजेक्शन लेकर के जा रहे हैं तो यह हमारी एक्स वाई लाइन जो कि यह एचपी में है तो यह यहां से यहां तक ये दूरी जो हो गई यह हमारी फ्रंट व्यू हो गया यानी कि एलिवेशन हो गया एलिवेशन में हमें इसका नाम ए और बी है तो यहां आ जाएगा ए डैश बी डैश ओके इसकी ट्रू लेंथ हमको यहां मिल रही है इसकी ट्रू लेंथ हमको यहां पे मिल रही है ठीक एक चीज और है कि जब कोई इंक्लाइन होता है जब कोई चीज इंक्लाइन है और उसकी प्रोजेक्शन लाइनों को हम नीचे की तरफ लेकर के आते हैं तो उसकी ट्रू लेंथ हमको नहीं मिलती है अगर इसको और ऊपर कर देते हैं तो और भी कम हमको ट्रू लेंथ नहीं मिलती है कम हो जाता है और भी कर देंगे तो भी हमें और कम हो जाता है लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ आता है वैसे हमें इसकी कुछ नीचे की दूरियां बढ़ती जाती जब ये पूरे स्थिति रूप में पूरा समांतर हो जाता है तब इसकी पूरी लेंथ हमको मिलती है तो यहाँ पे ये 45 डिग्री पे इंक्लाइन होने के कारण तिरछा होने के कारण ये इसकी ट्रू लेंथ नहीं है ट्रू लेंथ इसकी ये है इसकी डायमेंशनिंग हम कर देते हैं ये डायमेंशनिंग ये हमारा जो है ये एबी है जो 50 एमएम का है 50 एमएम का है और ये टीएल भी है यानी कि ट्रू लेंथ भी है ठीक और ये हमारा एलिवेशन हो क्या है ए डैश बी डैश और ए और बी हमारा क्या है लाल है ये हमारा प्लान है और ये हमारा ए डैश बी डैश क्या है यह एलिवेशन है ऐसे भी लिख सकते हैं ये हमारा एलिवेशन हो गया ये हमारा प्लान हो गया ठीक ये 45 डिग्री पे इंक्लाइन हो गया अब ये यहां से डायमेंशन इसका दे देते हैं ये यहां से कितनी दूरी पे है ये यहां से डायमेंशन जो हम देते हैं ये 10 एमएम की दूरी पर है पहले हमने 10 एमएम मान लिया 10 एमएम मान करके 10 एमएम नीचे आ गए क्योंकि जानते हैं जो दूरी एचपी से होता है वो वीपी में दिखता है जो वीपी से होता है वो एचपी में दिखता है ठीक है क्योंकि अब वीपी से 10 एमएम पे था वीपी से वीपी से 10 एमएम पे था तो इसलिए हमने हम इसको एचपी में आ गए एचपी में 10 एमएम लेकर आए एचपी में लेकर आए और ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन हो गई तो इस तरह से ये ड्राइंग हमारा कंप्लीट हुआ ये ड्राइंग हमारा कंप्लीट हुआ और हम जो है इसमें अगर चाहे तो ट्रेस भी दिखा सकते हैं
कि ये लाइन आगे बढ़ाएंगे और यहां ये टैंक पे बन जाएगा जो हमारा एचटीवीटी वीटी होगा। ये इस तरह से हमारा ये ड्राइंग कंप्लीट हुआ। इसे एक बार और समझ लीजिए, इसे एक बार और समझ लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि एचपी में है, एचपी में है तो हमने एचपी में रख दिया। यह वीपी है, यह एचपी है, हमने एचपी में इस लाइन को रख दिया। इस लाइन की लंबाई 50 एमएम है, इसकी एक सिरा, एक सिरे का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। इसका एक सिरा जो है, ये सिरा ए है और ये सिरा बी है। ए और बी दो सिरे हैं और हमने एचपी में रख दिया। ये एचपी हो गया, ये वीपी हो गया, वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, एचपी में हमने रख दिया। अब कह रहा है कि एचपी में है और वीपी से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। वीपी से 45 डिग्री का कोण बनाने का मतलब ये है कि इस तरह से ये 45 डिग्री पे इंक्लाइन हो जा रहा है। 45 डिग्री इस तरह से इंक्लाइन हो जा रहा है, 45 डिग्री इंक्लाइन हो गया। 45 डिग्री इंक्लाइन होने के बाद से कह रहा है कि इसका एक सिरा 10 एमएम, इसका वीपी से एक सिरा 10 एमएम, इसका एक सिरा ये है तो इसको हमने 10 एमएम पे दूर कर दिया। 10 एमएम पे हमने इसको दूर कर दिया। अब हम जब फ्रंट से देखेंगे और इसकी प्रोजेक्शन लाइन को लेकर आएंगे तो इसके दोनों सिरों से प्रोजेक्शन लाइन आएगी तो ये एक्स वाई लाइन पे आएगी। ये एक्स वाई लाइन पे हम फ्रंट से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा उसका एलिवेशन बन जाएगा, फ्रंट में बन जाएगा, ये इसका ऑफसेट बन जाएगा यहाँ पे। और जब टॉप से देखेंगे, टॉप से हम देखेंगे तो एक्स वाई लाइन से 10 एमएम के डिस्टेंस के बाद से ये 45 एमएम पे इंक्लाइन इस तरह से हमें ये लाइन प्राप्त होगी जो ये ट्रू लेंथ होगा, ट्रू लेंथ होगा, इसकी पूरी साइड हमें मिल रही है तो यहाँ पे ट्रू लेंथ बन जाएगा और ये एक्स वाई लाइन पे हमारा ये बन जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरह से ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हुई। इसे आप लोग जो है, इसे आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे तो ध्यान रखिए। देखिए जैसे एचपी में हो गया, एचपी में है, वीपी से कह रहा है 45 डिग्री पे तो वीपी से 45 डिग्री पर बना दिए। अब कह रहा है इसका एक सिरा वीपी से 10 एमएम की दूरी पे तो ये वीपी है, वीपी से 10 एमएम पे कर दिए। अब फ्रंट से देखेंगे प्रोजेक्शन लाइन को लेकर के जाएंगे इस बार से इस बार से इस दो तरह से तो एक लाइन प्राप्त होगी, वह लाइन हमें एक्स वाई लाइन पे मिलेगी। वह एक्स वाई लाइन पे हमारा इलेवेशन होगा यानी कि ऑफसेट होगा। जब टॉप से देखेंगे तो एक्स वाई लाइन से इसकी एक सिरा 10 एमएम पे और दूसरी सिरा जो है दो जो 45 डिग्री पे होगी वह हमारा जो है इस तरह से 45 डिग्री पे होगी वह हमारा बन रहा है प्लान बन रहा है यानी कि वो अनुविच्छेद बन रहा है। इस तरह से हमारा इलेवेशन और प्लान ये कंप्लीट हुआ। ए डैश बी डैश हमारा इलेवेशन और ए और बी हमारा प्लान। इस तरह से ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई। इस तरह से ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई। तो बच्चों आज के लिए बस इतना और नेक्स्ट आप लोगों को आगे बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना, ये जिसे इतना बताया गया है इसे आप लोग समझिए।